बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मिसेस हफ्सा गफ़ार, सीनियर टीचर, पाकिस्तान स्टडीज़ डिवीजनल पब्लिक स्कूल चीचा वतनी से मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तुलबा तालबात, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जमात नहम के मुताला पाकिस्तान की ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ किया है, तो उसी सिलसिले का आज मेरा चौथा लेक्चर है। बाबे अव्वल पाकिस्तान की नज़रियाती असास में हमारा आज का उन्वान है नज़रिया पाकिस्तान और लामा इकबाल। लामा इकबाल के बारे में हम सब जानते हैं, बचपन से आपने अपनी किताबों में लामा इकबाल मुसव्वर पाकिस्तान के बारे में पढ़ा हुआ है। मुसव्वर पाकिस्तान अजीम मुफक्कर और शायर मशरक लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1877 में जब इस दुनिया में आँख खोली तो बदकिस्मती से बरे सगीर के मुसलमान गुलामी का शिकार थे। इकबाल को इस बात का एहसास शुरू ही से था। माहो साल गुजरने के साथ ये शऊर पुख्ता होता चला गया। इनकी शायरी के इब्तदाई दौर की नज़मों के मुताले से हमें अंदाज़ा होता है कि उन्होंने शऊर की दुनिया में कदम रखते ही आज़ाद वतन का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था, जिसका अलामती इजहार 1901 में लिखी गई नज़म नया शवाला में मिलता है। सोई पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, सोई पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शवाला इस देश में बना दें। इब्तदाई दौर ही की एक नज़म दो सितारे में, हिंदू मुस्लिम नफाक के नतीजे में लिखी गई नज़म में इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लेकिन ये विसाल की तमन्ना पैगाम में फराक थी सरापा, गर्दश तारों का है मुकद्दर, हर एक की राह है मुकर्रर, है ख्वाब सबाते आशनाई, आईन जहां का है जुदाई। इस नज़म में इलामा इकबाल ने जिस आरजू का इजहार किया है उसमें दो कौमी नज़रिए का ख्याल मुतरश है। इब्तदा में इलामा इकबाल ने बरसगीर पाक व हिंद को ग़ुलामी से आज़ाद करवाने का ख्वाब देखा। इस नज़म में भी इकबाल ने जिस आरजू का इजहार किया है उसमें दो कौमी नज़रिए का ख्याल वाज़े नज़र आता है। अज़ीज़ान तलबा, इलामा इकबाल ने मुसलमानों को एक अलग रियासत का तसव्वुर दिया और मुस्लिम इत्तेहाद का दर्स दिया। मुस्लिम इत्तेहाद का दर्स देते हुए इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुस्लिम इत्तेहाद का दर्स देते हुए मजहब व मिल्लत को भी पसे पुष्ट डाल दिया। उस वक्त इलामा इकबाल हिंदुस्तान की तमाम कौमों को ये पैगाम देते नज़र आते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। आपने 1930 में मशहूर खुतबा अलाहाबाद में मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया ताकि मुसलमान इसमें रहकर अपने मज़हब और सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाखिर एक इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बहसियत तमदनी कुव्वत जिंदा रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमान एक मखसूस इलाके में अपनी मरकजियत कायम करें। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम की फलाह व बहबूद के ख़्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़्याम का मुतालबा कर रहा हूँ। यानी इकबाल ने अपने फरमूदात में, अपने इरशादात में और अपनी शायरी के ज़रिए शुरू से ही वो एक अलग मुस्लिम रियासत के क़्याम के हामी थे। 1905 से 1908 के दौरान वसी मुताले के नतीजे में उनका इस्लामी और मिल्ली शऊर पुख्ता हो चुका था। हिंदुओं का मुतसब रवैया भी उनके पेश नज़र था। वहाँ इकबाल के ख्यालात में ये तब्दीली पैदा हुई कि उन्होंने सियासत का रिश्ता वतन से तोड़कर मज़हब से जोड़ दिया। रिश्ता वतन से तोड़कर
मज़हब से जोड़ने की बड़ी वजह ये तब्दीली ये बड़ी अहमियत की हामिल थी और इसी बिना पर उनका दो कौमी नज़रिया वाज़ होकर सामने आता है। हिंदुओं के मुआंदाना और खुदगर्जी पर मबनी रवैये के पेश नज़र इकबाल ने ये महसूस किया कि मुसलमानों के बाज़ हकूक़ का तहफ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। हिंदुओं के पेश नज़र सिर्फ़ अपने मफादात हैं और वो ऐसा आज़ाद हिंदुस्तान देखने के मुतमन्नी हैं जहां सिर्फ हिंदुओं की मौशी मफादात और उनके हकूक़ का तहफ़ुज़ हो। अज़ीज़ान तलबा, 1926 में इकबाल बरेसगीर की लेजिस्लेटिव कमेटी के रुकन मुंतखब हो गए तो अमली सियासत में आने के बाद इन्हें हिंदुओं की खुदगर्ज़ाना सियासी पॉलिसियों का और भी करीब से अंदाज़ा हुआ। अल्लामा इकबाल ने महसूस किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। आप फरमाते हैं, इंडिया एक बरेसगीर है, एक मुल्क नहीं। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले और लोग रहते हैं और मुस्लिम कौम अपनी अलहदा पहचान रखती है। तमाम महज़ब कौमों का फ़र्ज़ है कि वो मुसलमानों के मज़हबी असूलों और सकाफ़ती व समाजी इकदार का एहतराम करें। मौशी मफादात से कोई उनको गर्ज नहीं थी। 1926 में इकबाल बरेसगीर की लेजिस्लेटिव कमेटी के रुकन जब मुंतखब हुए तो उन्हें ये बावर हो गया कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो अलग अलग कौमें हैं। इलामा इकबाल ने अपने दो कौमी नज़रिए का प्रचार शुरू किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बाद मुसलमान हिंदू अक्सरियत की ग़ुलामी में रहने के बजाय अलग मुस्लिम रियासत में अपनी हुक्मरानी कायम करें। तो इलामा इकबाल ने मशहूर खुतबा, अज़ीज़ तलबा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये खुतबा इलाहाबाद के बारे में उनका इरशाद दो कौमी नज़रिए वाले लेक्चर में पढ़ के सुनाया था तफसीलन। तो 1930 ही में खुतबा अलाहाबाद में उन्होंने जो उन्होंने पेश किया और उसी की बिना पर ही उन्हें मुसव्वरे पाकिस्तान कहा जाता है। बरसगीर के जिस सियासी पस मंज़र में ये तसव्वुर पेश किया उसका मुख्तसरन जायज़ा लेना ज़रूरी है। तरीके पाकिस्तान के अमली जदोजहद के इस सियासी मंज़र के जायज़े से इस बात का भी अंदाज़ा हो गया कि हिंदुओं की और बाज़ मुसलमान रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद इल्लामा इकबाल ने नवंबर 1927 में जब साइमन कमीशन के तकरर का ऐलान हुआ तो हिंदू कांग्रेस ने एक तरफ से तो कमीशन से ताबुन करने से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ अपने ज़ाती मफादात के गर्ज से बरेसगीर के लिए अपने नुक्ता नज़र को नुमायाँ करते हुए दस्तूर मुरतब किया। अज़ीज़ तलबा, 1927 में साइमन कमीशन, फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट, इन तमाम को अगर आप तारीख़ का मुताला करें, मुताला पाकिस्तान की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस तरह से क्या सियासी दावपेच और किस वजह से इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत को उन्होंने क्यों तरजीह दी। तो मुसलमानों के मफादात, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट भी साइमन कमीशन की मुसलमानों के मफादात की यकसर ख़िलाफ़ थी ये रिपोर्ट, और जिसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि उसमें पंजाब, बंगाल और मुसलमानों की अक्सरियत को तस्लीम ही नहीं किया गया था। इसके अलावा सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और सूबा सरहद को दूसरे सूबों के बराबर सियासी इख्तियार देने के मुतल्लिक भी कोई वाज़ मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया था। जब मुसलमान रहनुमाओं को ये रिपोर्ट उनके सामने आई तो कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह से हालात और वाक़यात ऐसे होते गए कि वक्त के साथ साथ हिंदुओं की हठधर्मी और अंग्रेज़ों की हिंदू नवाज़ पॉलिसियां वाजे होने लग पड़ी। 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग के सालाना इजलास मुनक़दा इलाहाबाद में दो कौमी नज़रिए को वाज़ तौर पे आपने ऐलान कर दिया।
और मुसलमानों के कौमी और मज़हबी नज़रियात के हवाले से सियासी हल उसमें उस नज़रिए में मौजूद था, जिसका आपकी किताब सफ़ा नंबर 11 में तफसील से इसके बारे में ज़िक्र है कि मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों की अलग रियासत। तो इसी तरह इलामा इकबाल ने वाज़ तौर पे अपने इलाहाबाद के पत्र 1930 में ये वाज़ तौर पे बावर करवा दिया कि हमारी अपनी एक अलग हमें रियासत चाहिए। नज़रिया इलामा इकबाल का जो सोच अभी तक मैंने आपसे तफसीलन अभी मैंने जो बयान की, उस नज़रिए को उसी सोच को आगे लेके कायदे आज़म ने 21 जून 1937 में उनको कुछ मकतूब लिखे और उसमें फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में एक मुत्तहिदा मुस्लिम कौम का वजूद नामुमकिन है। इन हालात के पेश नज़र यही हल है कि हिंदुस्तान में क़याम अमन के लिए मुल्क की असर नो तकसीम की जाए। तकसीम किस तरह की होगी कि जिसकी बुनियाद नस्ली, मज़हबी और इंसानी इश्तराक पर हो। मुस्लिम सूबों के एक जुदागाना वफाक का क्याम ही सिर्फ और सिर्फ वाहद रास्ता है। इसी तरह फिर 23 मार्च 1940 में, ये मैं अगले टॉपिक में आपको इस लेक्चर में आपको इसके बारे में इसकी वजाहत करूंगी कि जो 23 मार्च 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास जो कि लाहौर में मुनक्कद हुआ था कायदे आज़म की ज़ेर क़यादत, कि उसमें किस तरह से ये ही नज़रिया पाकिस्तान का मुतालबा पेश किया गया दो कौमी नज़रिए का, और किस तरह से फिर कायदे आज़म के इस तसव्वुर को हकीकी शक्ल दी गई। एक फ्रांसीसी राइटर लुइस क्लोड फ़िक्र इकबाल की जहात में लिखती हैं कि तहरीक पाकिस्तान की अमली जिदोजहद के पस मंज़र में इलामा इकबाल और कायदे आज़म दोनों ही बानिए पाकिस्तान हैं। तो इकबाल क्योंकि 23 मार्च 1940 से पहले ही वफात पा चुके थे, आप सब जानते हैं कि इकबाल 21 अप्रैल 1938 को इस दुनिया से इस जहाने पानी से कूच कर गए थे। तो इकबाल ने मुख्तलिफ अपने अशार के ज़रिए से ये वजाहत कर दी के मुसलमानों को उनको एक अलग मुल्क एक अलग मुमलिकत चाहिए। अपनी मिल्लत पर क्यास अक्वाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हसार, कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को मज़हब इस्लाम के हर पहलू को अपनाने और रंगो नस्ल के बुतों को तोड़ने का मशवरा दिया। बताने रंगो भू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, बताने रंगो भू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तो रानी रहे बाकी ना ऐरानी ना अफगानी। इसी तरह नील के साहिल से काश्गर तक मुसलमानों को हरम की पासबानी के लिए एक होने का पैगाम दिया। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके का शगर। बरे सगीर में मुसलमान जो एक गुलामी की